हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे कुछ गार्डन एक्सेसरीज के बारे में बात करूंगी जो हम गार्डन को मतलब डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनसे क्या होता है कि हमारा गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है। तो देखिए, ये कुछ छोटे छोटे टॉयज़ हैं, ये मैं लेके आई हूँ। इनके बारे में मतलब टाइम टाइम पर लाती रहती हूँ, कुछ मैंने लगाए भी हुए हैं गार्डन्स में, उनको निकाल के दिखा रही हूँ आपको इकट्ठा करके सबको। तो फिर हम शुरुआत कर देते हैं इस मशरूम से। देखिए, ये मैं अभी नया ही लाई थी एग्जीबिशन से, और ये देखिए इसको ऐसे मैंने कलर किया है। एक मैं बर्ड हाउस भी लाई हूँ इसके साथ, वो भी देखती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको, मुझे अभी याद आया। और ये देखिए, ये मशरूम को हमने रंग किया है। इसके अंदर आप लाइट भी लगा सकते हैं, कुछ भी, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये देखिए, ये हैंडमेड, ये देखिए ये लायन है, इसको भी कलर किया है दिया ने, बिटिया ने मेरी। दिया कलर बहुत अच्छे करती है, ये इसको मैंने कलर किया है। अभी इसको मैं दिया को बोल रही हूँ डेकोरेट करेगी। इसके रिंग्स को हम रेड या येलो करेंगे, और यहाँ पे एक रेड लाइन देंगे, ये ब्लैक आई बनाएंगे, तो इसको भी करेंगे। ये देखिए, ये छोटा सा एक प्लांटर है, ये आपको इंडोर्स में रखना हो तो ऐसे इसमें यहाँ पे कुछ भी एचिवेरिया लगाइए, कुछ ऐसा बहुत प्यारा लगेगा। और ये छोटे छोटे मशरूम्स लाई थी मैं 40-40 रुपीज़ के, ये बस कुछ इसी तरह भी बने हुए नहीं है, ऐसे ही बने हुए ही ऐसे हैं, इन पे कलर भी किया हुआ आया है, ये लाई थी मैं। और ये देखिए, ये छोटा सा पैरट, ये छोटे छोटे आपके जो वो ट्रे गार्डन्स छोटे छोटे बनाते हैं किसी प्लांट पे, जैसे ये वाला प्लांट है, इस पे आप यहाँ ऐसे चिपका भी सकते हैं, इसको स्टिक कर दीजिए छोटे से ग्लू से, ये देखिए ऐसे लगेगा। एक मिनट, ये देखिए, ये ऐसे बड़ा क्यूट लगता है। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना इंडोर या रखते हैं, मेरे पास ऐसी कोई अभी जगह नहीं है, मैं अलग से एक स्टैंड बनाना चाहती हूँ ऐसे छोटे छोटे प्लांटर्स का, ऐसे इस पे ऐसे लगा सकते हैं, बर्ड भी लगा सकते हैं। और ये देखिए, ये मेरे पास एक लायन है, ये आपने शायद मेरी किसी वीडियोस में देखा हो, ये देखिए ये लायन है, खतरा, ये लायन है देखिए। और ये बेंच पे बैठा हुआ एक आदमी है, देखिए कितना क्यूट लग रहा है, जैसे मॉर्निंग वॉक पे आया है और किसी पेड़ पे। ये मैंने नीचे अपने ना जेड के बोनसाई के नीचे रखा हुआ है, ऐसे लगता है पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। और ये देखिए, ये फ्लावर है, इसके पीछे यहाँ पे तार ऐसे लगा के, और ऐसे आप किसी उसमें लगा सकते हैं। ये मैंने वाटर बॉटल से बनाया हुआ है, ये देखिए उसको ऐसे काट दिया और बना के, और यहाँ पे वो ढक्कन यहाँ से उतार के यहाँ लगा दिया, इसको कलर करूँगी। और इस पे कोई भी तार लेके उस पे ऐसे लपेट के सीधा, और ऐसे इसको किसी भी प्लांटर पे ऐसे लगा दें तो बहुत सुंदर लगता है ये, ये देखिए। और ये बुद्धा है, ये भी किसी पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, ये देखिए ये ग्रास, ये बुद्धा जी बैठे हुए हैं, ध्यान लगा के देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं छोटे से बुद्धा जी। और इनको भी ऐसे किसी चीज़ पे बिठाया जा सकता है, ये ग्रास का एक वो है, ये टेबल चेयर है, ये मेरी मेड ने एक चेयर की पैर थोड़ा सा तोड़ दिया, इसको मैंने अपने ट्रे गार्डन में लगाया हुआ है। और ये भी मैं रख देती हूँ, ये छोटी सी है बजने वाली सीटी है, ये मेरी बिटिया दिया लाई थी किसी एग्जीबिशन से बजाने, इसमें पानी भर के चलाते हैं, बहुत अच्छी आवाज़ निकलती है। लेकिन इसको हम किसी ऐसे प्लांट के बीच में भी ऐसे रख सकते हैं तो ये अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे लगता है बर्ड बैठी हुई है। और ये देखिए, फिर बहुत छोटे छोटे से मैं लेके आई हूँ, ये देखिए ये छोटे से मशरूम है, ये पहले ये मैंने ऐसा टेरेरियम में एक लगाया हुआ है। और ये छोटे छोटे, ये देखिए ये क्या है, क्रेन है, स्वान है या क्रेन है, क्या है। और ये देखिए छोटी छोटी डक्स का, ये देखिए एक के पीछे एक जा रही हैं, ये भी छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं। कोई आपका वो छोटा सा ट्रे प्लांटर हो उसमें लगा सकते हैं आप। ये छोटे छोटे ये देखिए चिक्स हैं, ये मुर्गी के बच्चे छोटे छोटे, ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। और ये आंटी जी बैठी हुई हैं, एक चक्की पीस रही हैं। और ये शीप है,
ये भी मैंने एक प्लांटर में लगाया हुआ है अपने, और ये जिराफ है, और इस जिराफ की भी बेचारे की देखिए एक टांग टूट गई है, लेकिन मैं इसको सपोर्ट करके किसी में लगा दूंगी। ये रैबिट देखिए छोटा सा, ये रैबिट भी आप लगा सकते हैं किसी चीज़ में, बहुत प्यारा लगता है। ये फेरीज हैं दो, और ये देखिए ये पिन वाले ये ऐसे आते हैं, इनको देखिए आप ऐसे किसी चीज़ में लगा सकते हैं, टेरेरियम में भी लगा सकते हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे हैं, ये ऐसे करके इनको लगा सकते हैं। ये मशरूम्स हैं, इनको ऐसे और अच्छी तरह अंदर करके ना और आप प्रेस कर देंगे तो ये पिन नहीं दिखेगा और खाली मशरूम दिखेगा, ऐसे लगा सकते हैं। ये आपके किसी भी छोटे से ट्रे गार्डन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफाई करते हैं। तो ऐसे बहुत से टॉयज और मिलते हैं मार्केट में, एग्जीबिशन वगैरह में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आप ऐसे एग्जीबिशन वगैरह में जाएं तो ये ला सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैं दिखा रही हूँ ये वाले, इनको आप बारिश वगैरह में वैसे तो इनको बारिश में कैक्टस और सेक्यूलेंट्स को हमें अंदर रख लेना चाहिए, सेक्यूलेंट्स के लिए जो है वो बारिश बहुत ख़तरनाक होती है तो गल जाते हैं उसमें ये, तो अंदर रख लें, नहीं तो ये वाले जो छोटे छोटे पिन वाले हैं ना ये बारिश इसमें पड़ेगी तो ये गल जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक्सेसरीज मिलती हैं जिससे आप अपने गार्डन को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। ये देखिए ये हट है, ऐसी मेरे पास एक और हट थी, मेरे बेटे ने तोड़ दी वो, और ये ऐसी वाली एक और लेडी है जो वो मैंने अपने ब्रोकन पॉट वाले गार्डन में लगाई हुई है, वो मैं अभी नहीं लाई हूँ ऊपर। तो ये देखिए ये कुछ एक्सेसरीज मैंने लगाए, वैसे मैं एक्सेसरीज थोड़ा कम यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ट्रे गार्डन्स वगैरह में, वैसे भी आपके गार्डन में जब आप गमलों के बीच में ये रखते हैं तो बहुत आपके गार्डन को ब्यूटीफाई करती हैं ये। अब देखिए स्पेशली इनमें बहुत अच्छी लगती हैं ये देखिए। तो फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है शायद आपको अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय। और हाँ एक मेरा इंग्लिश चैनल भी है फन गार्डनिंग इंग्लिश, आप उसे भी ज़रूर देखिए और उसकी वीडियोस को भी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिलता है। तो ओके फ्रेंड्स बाय।